विधानसभा निर्वाचन 2017 में फ्लाइंग स्काइड के वाहन जीपीएस सिस्टम से जुड़े रहेंगे। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत ही सभी चुनावी प्रक्रिया से संबंधित सभी प्रतिक्रियाएं पूर्ण की जा रही हैं। बूथ लेवल अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की जा चुकी है। इसके साथ ही विभिन्न टीमें भी गठित कर दी गई हैं ताकि चुनावों को निष्पक्ष तौर पर संपन्न करवाया जा सके। हमीरपुर के डीआरडीए भवन में मीडिया वर्कशॉप के दौरान एडीएम रतन गौतम ने कहा कि चुनाव के लिए जिला हमीरपुर पूरी तरह से तैयारियां कर रहा है। एडीएम रतन गौतम ने कहा कि निर्वाचन से संबंधित तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और आदर्श आचार संहिता के दौरान किस तरह से काम किया जाए, कार्यशाला में चुनावों के दौरान होने वाली गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने समस्त नागरिकों से अनुरोध किया है कि वह मतदाता सूचियों में अपना नाम दर्ज करवाना सुनिश्चित करें। विशेषकर 18 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के पात्र युवाओं से अनुरोध है कि वह 30 सितंबर से पहले फोटो युक्त मतदाता सूची में अपना पंजीकरण की पुष्टि अवश्य कर लें तथा पंजीकृत न होने की दशा में अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी के साथ अपना निवास व आयु प्रमाण पत्र व दो फोटोग्राफ लेकर नाम पंजीकरण हेतु प्रारूप 6 दावा प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन में अपने मत का प्रयोग वही नागरिक कर सकता है जिसका वर्तमान प्रचलित मतदाता सूची में नाम दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों और प्रवेशकों के नाम और फोन नंबर अंकित करना सुनिश्चित करें ताकि मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी किसी भी जानकारी को प्राप्त करने की सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि सभी बूथों पर सलाहकार समितियों का गठन करना जरूरी है। उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक मतदाताओं को मतदान से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित करें। जो कार्यशाला है वो आदर्श आचार संहिता और इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग इसके ऊपर रखी गई थी और विशेष करके जो आदर्श आचार संहिता है जो आने वाले समय में हमारे विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें जो है वो सभी राजनीतिक दल उनका जो है वो अनुपालन सुनिश्चित करें। उसके लिए भी जो है वो ये आदर्श आचार संहिता जो है वो जैसे चुनाव की घोषणा होगी उसके साथ लागू हो जाएगी, उससे संबंधित ये आज ये रखी गई थी। इससे पहले तहसीलदार निर्वाचन उपेंद्र शुक्ला ने एडीएम रतन गौतम का स्वागत करते हुए सभी बूथ लेवल अधिकारियों को निर्वाचन के द्वारा उनके द्वारा निभाए जाने वाले दायित्वों की जानकारी दी तथा निर्वाचनों से संबंधित नियमों के बारे में बताया। इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए पैराफिनेलिया क्योंकि बड़ी सारी चीजें चाहिए और हमारा हमीरपुर में भगवान की दया से कोई भी शेडो एरिया नहीं है, तो प्री कंडीशन उसकी यही थी कि कहीं ऐसा करें कि किसी पुलिस स्टेशन पे सिग्नल ही ना हो तो फिर वो कहां से उसको कर पाएंगे। बट हमने अपने जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है उनसे सबसे मीटिंग की थी तो उन्होंने हमें बताया कि कोई भी पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं है जहां पे आपका जो सिग्नल की कोई प्रॉब्लम हो, तो हम ये जो 50% है कमीशन की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।